बता दें कि राजस्थान में चुनाव से पहले राज्य को अपनी पहली और देश में 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर के रास्ते जाएगी, यानी ये ट्रेन दिल्ली और जयपुर के लिए भी उपयुक्त गाड़ी है। वही रेलवे का इस पे कहना है कि दिल्ली जयपुर रूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ बदलाव करने पड़े हैं। इस रूट पर डबल डेकर ट्रेन चलती हैं। इस रूट पर बिजली के तारों की ऊंचाई ज्यादा है। अभी तक चलाई गई 14 वंदे ट्रेनों के साथ इस तरह की समस्या नहीं रही थी। रेलवे का कहना है कि दिल्ली जयपुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए एक नए पेंटोग्राफ यानी इंजन को बिजली सप्लाई करने वाले छत पर लगे रॉड की जरूरत है, जबकि अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में हर दूसरी बोगी की छत पर एक पेंटोग्राफ होता है। और क्योंकि दिल्ली जयपुर रूट पर बिजली की तारों की ऊंचाई ज्यादा है, इसके लिए चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF को दिल्ली जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए लंबे पेंटोग्राफ बनाने पड़े हैं और इसीलिए ये अब तक की चलाई गई 14 वंदे भारत एक्सप्रेस से इस महीने में अलग है। साथ ही रेलवे से दी गई जानकारी के अनुसार ये राजस्थान की पहली और दिल्ली से चलने वाली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जबकि इससे पहले दिल्ली से वाराणसी, कटरा और हिमाचल अम्बंदोर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। वहीं अभी तक की जानकारी के अनुसार दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच 442.55 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को 5 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, जबकि इससे पहले इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि इसके लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उससे 1 घंटे पहले ही यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा देगी और अब इस रूट में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। इसके अलावा रेलवे का कहना है कि ट्रेन हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। इसका मतलब यह है कि केवल बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी और रास्ते में ये ट्रेन जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। वहीं इस ट्रेन को अजमेर, दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।